फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग ज्योग्राफी एंड यू और डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है, इसमें जो भी अलग अलग एडिशन में हमारे ऑप्शनल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन देखिए, लंबे समय से जो हमारी ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन है वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये जो कोविड हुआ था उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया था और उसकी वजह से शायद ये जो कंपनी है वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। लेकिन डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है, इसके नए नए एडिशन लगातार आ रहे हैं। तो अब जो डाउन टू अर्थ मैगजीन का कंटेंट है, जो आपके यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है और इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर करते जाएंगे। और फिर जब ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन आ जाएगी तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये जो एडिशन है, ये आपका सितंबर मंथ का एडिशन है, जिसको आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो भारत में दालों को लेकर समस्या है, जिसको पल्स कहते हैं, तो भारत में जो दालों के उत्पादन को लेकर समस्या है उसका एक 360 व्यू लेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटनेस में, संपूर्णता में समझ जाएंगे कि भारत में जो दालों के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या समाधान हो सकते हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोग कुछ सामान्य बातें करेंगे। जैसे कि जो हमारी दाल है, जब हम लोग इनका उत्पादन करते हैं तो इनमें आपको, यानी कि जो दाल का पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, तो उस जड़ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग संपूर्णता में कलेक्टिवली कहते हैं राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम है, फसल के लिए बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी के लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो इस राइजोबियम की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर आप पल्सेस को उगाते हैं, अगर आप दालों का उत्पादन करते हैं, तो जो फर्टिलाइजर है उसका बहुत कम उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि जो खाद है, जब वो ज़्यादा प्रयोग में नहीं आएगी। और देखिए, इससे क्या होगा, एक तरफ तो किसान की जो इनपुट की लागत है, जो कह लीजिए लागत आती है, वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ जो हमारे विश्व में मिट्टियों को लगातार नुकसान हो रहा है खाद के बहुत ज़्यादा उपयोग से, वो नुकसान भी कम हो जाएगा। तो यानी कि जो दालों का उत्पादन है, ये हमारे लिए हर तरह से लाभकारी है, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। इसके साथ ही कुछ बातें और समझ लेते हैं बेसिक लेवल की। देखिए, जो दाने हैं, ये भारत में जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो भारत में अधिकतर लोग अपनी जो प्रोटीन की आपूर्ति है वो दालों से प्राप्त करते हैं। अब अगर हमारे देश में दाल पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होंगी, तो यानी कि लोगों को कुपोषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा, उनमें प्रोटीन की कमी रहेगी। तो यानी देश को स्वस्थ बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए भी हमें अपनी दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा। अब आते हैं देखिए इस टॉपिक के कोर इश्यूज के ऊपर। तो देखिए, टॉपिक में सबसे पहली जो बात उठाई गई है वो ये उठाई गई है कि जब भी हमारे देश में दाल का मूल्य बढ़ता है, देखिए किसी भी चीज़ का मूल्य क्यों बढ़ता है, पहले इसको समझ लीजिए। इन दो हाथों में से एक को आप, इस हाथ को डिमांड मानिए और इस हाथ को सप्लाई मानिए। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड ऊपर जा रही है और सप्लाई उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा रही है, यानी सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है पर डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यानी कि जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, तो दाम बढ़ जाएगा। अब हमारे देश में क्या हुआ है, धीरे धीरे जो लोगों की इनकम है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि जो लोग हैं वो मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। अब लोगों के पास जब इनकम बढ़ी तो वो अच्छा भोजन भी करना चाहते हैं, यानी अपने भोजन में वो दालों को स्थान देते हैं। जब लोग भोजन में दाल को स्थान देंगे तो जाहिर सी बात है दाल के जो डिमांड है वो बढ़ेगी। लेकिन क्या है कि सप्लाई हम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, दाल का जो दाम है वो बढ़ता चला जाता है। फिर सरकार को क्या करना होता है, अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है इसलिए दाम बढ़ रहा है, तो आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगी। सप्लाई कैसे बढ़ाई जाएगी, तो सरकार अलग अलग देशों से आयात करती है दाल को। जब आप आयात कर लेंगे तो फिर से एक बार आपके देश में दाल हो जाएगी, और जब दाल हो जाएगी तो जो दाम तेज़ी से बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यानी कि हर साल, या फिर कह लीजिए जब कभी भी ये समस्या आती है हमारे देश में कि जो दाल है उसका दाम तेज़ी से बढ़ता है, तो सरकार क्या कदम उठाती है, जो दाल है उसको दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेती है या आयात कर लेती है। लेकिन देखिए, अगर आप कहीं से भी दाल का आयात करेंगे तो बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में गेहूं है, चावल है, बड़ी मात्रा में बर्बाद हो जाता है।
तो एक तरफ हम ऐसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं जो बर्बाद हो रही हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिनको हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, तो बड़ा ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है, तो हम दालों का उत्पादन खुद अपने देश में क्यों नहीं कर सकते। यही मुख्य समस्या है जो इन आर्टिकल्स में, इस पूरी मैगजीन के इस एडिशन में उठाई गई है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1981 से 2020 तक के आंकड़ों को देखें तो दालों का उत्पादन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बढ़ा है, हमारे देश में दालों का उत्पादन 122% बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक इसी अवधि में हमारा इंपोर्ट कितना बढ़ा है, 1622%, यानी कि जहां एक तरफ 1981 से 2020 के बीच में दालों का उत्पादन 122% बढ़ा, वहीं हमारा जो आयात है वो 1622% बढ़ गया, यानी हमारी जो बहुत ज़्यादा मुद्रा है वो आयात करने में जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, विरोधाभास ये है कि हमारे किसान ऐसी फसल उपजा रहे हैं जिसका उनको सही मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और फसल भी बर्बाद हो रही है। तो अब देखिए, जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है दाल की और दालों का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने 2016 में एक समझौता कर लिया मोजाम्बिक देश से। हमने कहा कि ठीक है, हम आपसे जो दालें हैं इसका आयात करेंगे क्योंकि हमारे देश को दाल की ज़रूरत है। अब देखिए, अभी हाल में ये समझौता ख़त्म होने वाला था तो सरकार ने फिर से इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि जो हमारी दाल की डिमांड है वो उतनी ही है और अभी हमारा दाल का उत्पादन उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। तो यानी कि हम लोग मोजाम्बिक देश के साथ एक समझौते के अंतर्गत हैं, एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग मोजाम्बिक देश से दालों का आयात करते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमारे देश में जो कृषि को लेकर के कुछ कानून है उसमें भी अभी हाल के समय में बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उपलब्धता सभी के पास सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तो एक एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से ऐसी वस्तुएं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। तो इस एक्ट के प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा देता हूँ। देखिए क्या है कि एक तरीका तो प्राइस बढ़ने का ये हो सकता है कि जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम है, लेकिन एक तरीका और हो सकता है कि डिमांड तो है लेकिन साथ में जो सप्लाई है वो कम कर दी गई। सप्लाई कैसे कम हो सकती है, आपने मान लीजिए मार्केट में जितनी भी दाल थी उसको अपने पास खरीद कर रख लिया, आप एक बड़े उद्योगपति हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने मार्केट से सारी दाल खरीद के अपने पास रख ली। अब मार्केट में दाल की शॉर्टेज हो गई, जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी और डिमांड उतनी ही बनी रहेगी या बढ़ेगी तो उस चीज़ के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से भी दालों के दाम बढ़ सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब अरब देशों के बीच में कोई लड़ाई होने लगती है, कोई तनाव आ जाता है, तो दुनिया भर में पेट्रोल के दाम बढ़ने लगते हैं। क्यों बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक यही चीज़ दालों पर होती है। अब देखिए दालें क्या हैं, अभी तक, अब एक्ट में बदलाव आ गया है लेकिन अभी तक जो दालें हैं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी थी। अब जब सरकार की जिम्मेदारी है इसको सुनिश्चित करना कि दाल सभी को उपलब्ध हो, तो इसके लिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो कुछ प्रावधान करता है। लेकिन देखिए इसी प्रावधान की कुछ समस्याएं भी हैं। मान लीजिए सरकार ने कहा कि, चलिए अभी मैं सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, मान लीजिए सरकार ने कहा कि कोई भी अपने पास 100 किलो से ज़्यादा दाल स्टोर नहीं कर पाएगा। आपका मान लीजिए एक कारखाना है जिसमें आप प्रोसेसिंग का काम करते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री से संबंधित हैं, तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में दाल को खरीद कर स्टोर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपना उद्योग कैसे चलाएंगे। तो एक तरफ हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ जिसे जमाखोरी कहते हैं तो इस जमाखोरी की समस्या से भी लड़ना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, यानी कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। जैसे 2020 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसके माध्यम से एक्ट में चेंज लाए गए। अब आते हैं हम लोग कोर इशू पे, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955,
देखिए, जो भी एक्ट होता है उसके कुछ भाग होते हैं और उपभाग होते हैं, यानी कि सेक्शन, और सेक्शन के नीचे सब सेक्शन। तो इस हमारे एक्ट का सेक्शन 3 जो है उसका सब सेक्शन जो 1A है, वो कुछ तरह के जो फूड्स हैं उनकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए कदम उठाता है। तो जैसे कि इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, ये जो हमारा एक्ट की सेक्शन 3 है, इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, जब तक कोई एक्स्ट्रा जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस आ जाएगा, यानी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वार हो जाना यानी युद्ध हो जाना, या फिर अकाल पड़ जाना, या फिर कोई अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइस बढ़ जाना, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाना। तो इस तरह की जब भी कोई घटना होगी तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि सरकार इन वस्तुओं की, यानी कि ये जो खाद्य वस्तुएँ हैं, इनकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए अलग अलग कदम उठा सके, क्योंकि देश समस्या में है तो सरकार के पास अधिकार होगा। इसमें एक बात यह भी कही गई, इट आल्सो सेज एन ऑर्डर फॉर रेगुलर स्टॉक लिमिट ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मे बी इशूड ओनली इफ देयर इज ए 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम। अब देखिए क्या कहा गया है कि मान लीजिए आप कितना स्टॉक अपने पास लगा सकते हैं, यानी कि दालों का कितना स्टॉक अपने पास लगा सकते हैं, सिंपल भाषा में कितने टन दाल को आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं, इसके ऊपर सरकार कोई नियम तभी लाएगी जब जो उस कमोडिटी का, उस वस्तु का जो दाम है, पिछले साल के औसत दाम से 50% ज़्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए पिछले साल में जो दालों का औसत दाम था वो 75 रुपये केजी था, तो इस साल अगर दालों का जो दाम है वो 75 रुपये में 50% की वृद्धि हो जाती है, तभी सरकार कुछ ऐसे नियम बनाएगी कि आप दालों को अब स्टॉक में नहीं लगा सकते, यानी दालों को अपने पास जमा नहीं कर सकते। तो ये कुछ देखिए नियम इसलिए लाए गए जिससे जमाखोरी को रोका जा सके। लेकिन हमारा जो ऑर्डिनेंस है, जो हमारा अधिनियम है, जो हमारा अध्यादेश आया है नया, इसमें ये बात कह दी गई कि जो आपकी दालें हैं या इस तरह की जो वस्तुएं हैं, उनके लिए जो हमारे फूड प्रोसेसिंग से संबंधित लोग हैं, यानी जो फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, वो अपने पास उतना स्टॉक लगा सकते हैं जितनी उनके कारखाने की क्षमता है। जैसे कि आपका जो फूड प्रोसेसिंग का कारखाना है उसकी क्षमता मान लेते हैं कि एक दिन में आप 10 केजी सिंपल कर लेते हैं, या 100 केजी कह देता हूँ, तो एक दिन में मान लीजिए आप 100 केजी दालों को प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप इसी हिसाब से फिर अपने पास स्टोर कर पाएंगे दालों को, अगर इससे ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं तो इसको जमाखोरी माना जाएगा। ठीक इसी तरह से एक एक्सपोर्टर की जितनी एक्सपोर्ट करने की क्षमता है, जितनी निर्यात करने की क्षमता है, उतना ही स्टॉक वो अपने पास लगा पाएगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक्सपोर्टर के लिए भी और जिसका फूड प्रोसेसिंग का कारखाना है उसके लिए भी। यानी कि कुल मिलाकर के सरकार की कोशिश है कि जो निर्यातक हैं उनको कुछ सहूलियत दी जाए, इसके साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भी सहूलियत दी जाए। इससे होगा क्या, इससे जो कृषक है वो अपनी जो दालें हैं उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेच पाएगा। जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस दाल को खरीदेगी डायरेक्ट किसान से, तो बीच में जो बिचौलिए हैं वो समाप्त होने लगेंगे। जब बिचौलिए समाप्त होने लगेंगे तो किसान को अपनी फसल का पूरा मूल्य मिलेगा, सही मूल्य मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है। एक और कदम उठाया है, तो इसेंशियल कमोडिटी बिल जो है, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया 2020 में, एक संशोधन किया गया, और इसमें क्या है, कुछ जो वस्तुएं हैं, कुछ खाद्य वस्तुओं को इसेंशियल कमोडिटी की श्रेणी से निकाल दिया गया। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ये जो इसेंशियल कमोडिटी हैं, उनकी सप्लाई को इंश्योर करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब इसेंशियल कमोडिटी से देखिए किन किन चीज़ों को हटाया गया है, पल्स यानी दालों को हटाया गया है, ऑयल सीड्स को हटाया गया है, एडिबल ऑयल्स को हटाया गया है, इसके साथ ही ओनियन यानी प्याज और पोटैटोज यानी कि आलू, इनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। यानी अब ये सरकार की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि इनकी सप्लाई को इंश्योर करे। तो ये एक बड़ा चेंज आया है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से दालों को हटा दिया गया है। बाकी भी चीज़ें हैं पर हम लोग दालों के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो दाल की बात मैं विशेषता से कर रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं
कि भारत में किन दालों का उत्पादन ज़्यादा होता है, किन दालों का उत्पादन कम होता है और दालों के उत्पादन का वितरण पैटर्न क्या है, उत्तर भारत में क्या हो रहा है, दक्षिण भारत में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो देखिए एक रिपोर्ट आई 2010 में, रिपोर्ट का नाम क्या है, ओवरकमिंग द पल्स क्राइसिस, यानी कि जो दालों के उत्पादन से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनको ओवरकम करना, उनसे उनका निपटारा करना, इस नाम से एक रिपोर्ट आई जिसको जारी किया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। इस रिपोर्ट ने क्या बताया कि अगर हम 1951 से 2008 के समय को देखें, यानी 1951 से शुरू करके और 2008 तक के समय को देखें, तो जो दाल है इनका उत्पादन बढ़ा केवल 45%, वहीं पर गेहूं का उत्पादन बढ़ा 320% और चावल का उत्पादन बढ़ा 230%। यानी गेहूं और चावल का उत्पादन हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ा, खासकर हरित क्रांति के बाद में, लेकिन जो दालों का उत्पादन है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि देखिए भारतीय लोग ज़्यादातर किन दालों का उपयोग करते हैं, जो खरीफ फसल की दालें हैं। खरीफ फसल की दाल कौन कौन सी है, तूर उड़द और मूंग। तूर उड़द और मूंग का जो उपभोग है भारत में ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग अपने भोजन में इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में किन दालों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, चना और मसूर दालों का, यानी रबी फसल की जो दालें हैं चना और मसूर, इनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें भी जो चना है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है भारत में। यानी अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जो रबी मौसम में जो चने की दाल है इसका प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारी डेली यूज़ में आने वाली दालें हैं जिसमें तूर उड़द और मूंग आ जाती है, इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब देखिए हम लोगों को ये भी समझना होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो सरकार की एक रिपोर्ट आई थी जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था पल्सेज इन इंडिया रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो आपको इतनी रिपोर्ट्स का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको संदर्भ के साथ बता रहा हूँ। तो एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि गंगा के मैदान में जो फार्मर्स पारंपरिक रूप से दालों की खेती करते आए थे, उन्होंने दालों की खेती करना छोड़ दिया जब से सिंचाई की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। तो देखिए क्या है, हमारे देश में सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया, हरित क्रांति के दौर में तो खासकर विकास किया गया। तो वैसे क्या है, जो एरिड रीजन होते हैं, जो अपेक्षाकृत थोड़े से शुष्क प्रदेश होते हैं, वहाँ पर दालों की खेती करना ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि दालों की फसल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी आपको नहीं चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा पानी वगैरह भी नहीं चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही फार्मर्स को फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो गए, वाटर के लिए इरिगेशन यानी सिंचाई की पद्धतियाँ उपलब्ध हो गई, अलग अलग ट्यूबवेल वगैरह, वैसे ही किसानों ने क्या किया कि दालों के उत्पादन को कम कर दिया और चावल है, इसके साथ ही आपका गेहूं है, इनके उत्पादन को बढ़ा दिया। इसके पीछे एक कारण एमएसपी का भी रहा है कि ये देखिए जो चावल है जो गेहूं है इसको सरकार पूरे तौर पे किसानों से खरीद लेती है, अभी आगे इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये पूरा स्टॉक सरकार किसानों से खरीद लेती है, इसकी वजह से क्या होता है कि किसान सोचते हैं कि अगर हमारी फसल का उत्पादन हुआ तो हम इसको सरकार को बेच देंगे। तो एमएसपी को लेकर के भी जो किसान हैं वो ज़्यादातर चावल और गेहूं का उत्पादन करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही जो अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो जो हमारा साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, अब दालों का उत्पादन उधर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि दालों का उत्पादन जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ ही देखिए एक चीज़ है, भारत में निर्वाह कृषि भी होती है, यानी कि जो फार्मर है वो जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन करता है उसी चीज़ से को खा करके अपने कह लीजिए गुजारा करता है। तो पहले अगर फार्मर प्रोडक्शन कर रहा था दालों का तो उसको खाने के लिए भी दाल मिल रही थी, यानी उसको प्रोटीन उपलब्ध हो रहा था। अब अगर फार्मर जो है दाल का उत्पादन नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फैमिलीज हैं फार्मर की उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब उनको दालें खाने को नहीं मिल रही हैं। इसके लिए देखिए एक बात भी कही जाती है कि भारत का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पीडीएस सिस्टम है, इसमें दालों को भी जोड़ा जाए, जैसे सरकार गेहूं वगैरह देती है लोगों को,
इसके साथ ही कहा जाता है कि सरकार जो है दाल भी लोगों को उपलब्ध कराए। एक तरफ दाल की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, क्योंकि अगर सरकार लोगों को दाल उपलब्ध कराएगी तो इसके लिए सरकार दाल खरीदेगी, अगर खरीदेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी तो किसान प्रेरित होंगे प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरी तरफ जो देश में लोग कुपोषित हैं उनको अच्छा प्रोटीन का स्रोत मिल सकेगा दालों के रूप में, क्योंकि सरकार सब्सिडी के ऊपर दालें उपलब्ध कराएगी। तो कुछ और बातें अब देखिए समझते हैं। हमारी देखिए जो भारत सरकार है वो क्या किसानों को समझा रही है, लंबे समय से किसानों को समझा रही है सरकार कि आप अपने खेत में तूर और सोयाबीन दोनों फसलों का उत्पादन करिए, यानी तूर दाल के साथ सोयाबीन का उत्पादन करिए। तो IIT खड़गपुर जो है, जो IIT कानपुर है उसने ये सलाह दी है, उसकी एक वेबसाइट चलती है एग्रोपीडिया, इसको आप देख भी सकते हैं। तो एग्रोपीडिया वेबसाइट पे IIT के जो कह लीजिए रिसर्चर हैं उन्होंने सलाह दी है कि इसका जो रेशियो है, यानी ये जो इंटरक्रॉपिंग का रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, यानी कि 2:1 होना चाहिए। यानी कि अगर इसको आम भाषा में कहें तो अगर आपका एक खेत है तो अपने खेत के दो हिस्से में, यानी कि इसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए खेत को, दो हिस्से में आप लगाइए तूर दाल की फसल और एक हिस्से में लगाइए सोयाबीन की फसल। लेकिन वर्तमान में ये जो रेशियो है उलट गया है, यानी कि किसान जो है सोयाबीन की खेती ज़्यादा भाग पर कर रहे हैं और दाल की तूर दाल की खेती कम भाग पर कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, एक तो सोयाबीन की फसल का दाम अच्छा मिलता है, तूर दाल से ज़्यादा दाम मिलता है सोयाबीन की फसल का। दूसरा, जो सोयाबीन की फसल है वो तैयार भी जल्दी हो जाती है। जब फसल एक तैयार हो जाती है तो किसान फटाफट उस फसल को काटता है और दूसरी फसल लगा देता है। तो इन कारणों से भारत में इस समय सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हालांकि ये बुरी चीज़ नहीं है, जब भारत हंगर के दौर से गुजर रहा था, अकाल वगैरह पड़ रहे थे, तो भारत में साइंटिस्ट ने सलाह दी थी कि भारत में जो ये सोयाबीन है इसके कंजम्पशन को, इसके उपभोग को बढ़ावा दिया जाए। तो अगर हमारे देश में सोयाबीन का उपभोग बढ़ता है तो ये भी प्रोटीन का एक बहुत ही रिच स्रोत है। अगर आप भी अपने डाइट में प्रोटीन को ऐड करना चाहते हैं तो सोयाबीन का कंजम्पशन आप कर सकते हैं। तो सोयाबीन एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। तो यानी कि वर्तमान में हमारे देश में जो सोयाबीन है इसका उत्पादन बढ़ रहा है। इसके साथ ही देखिए एक और इशू क्या आता है कि जो हमारा PTS सिस्टम है उसमें, जैसा कि मैंने बताया कि नाफेड वगैरह जो संस्थाएं हैं उनका कहना है कि सरकार को दालों को भी जो PTS सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें इंक्लूड करना चाहिए। यानी गरीब लोगों को दाल भी कम दामों पर, सब्सिडी वाले दामों पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और है, देखिए जब सरकार जैसे चावल है, गेहूं है, इन फसलों को खरीदती है किसानों से तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। देखिए, सरकार खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, तो सरकार जो खरीद करके और इनका प्रोक्योरमेंट अपने पास करती है व्हीट और राइस का, तो उस पर सरकार ने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। लेकिन दालों के ऊपर एक लिमिट है। किस तरह की लिमिट है? मान लीजिए एक साल में दालों का 100 मान लीजिए दाल का 100 टन उत्पादन हुआ तो सरकार ने लिमिट लगाई है कि सरकार केवल 25% इसका 25% अपने पास सुरक्षित रखेगी, भंडार करेगी। यानी कि 100 टन अगर एक साल में दाल का उत्पादन हुआ तो सरकार अपने पास केवल 25 टन जो दाल है उसको किसानों से खरीद करके अपने पास प्रोक्योर कर लेगी या सुरक्षित कर लेगी। तो ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा सही किया जाना चाहिए जिससे कि देश में दालों का उत्पादन बढ़े, यानी कि ये जो 25% है इसको 50% किया जाए या थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अब इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि हमारे देश में अगर हम लोग अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह की बात करें तो कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा कि हम लोग, लोगों की जो डाइट है, हमारी जो भारत सरकार है वो लोगों की डाइट में दाल को भी बढ़ावा दे, यानी कि लोग जो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है उसका भी उपयोग करें। अच्छा देखिए, किसान जो है उस फसल को लगाना ज़्यादा पसंद करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। और प्रॉफिट के लिए क्या हो सकता है कि मान लीजिए अभी खेत की जितनी प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो जाए। यानी कि मान लीजिए एक किसान के पास, चलिए मान लेते हैं 1 बीघा ज़मीन है, तो इसमें मान लीजिए अभी जो है, चलिए मान लेते हैं 20 kg दाल होती है। अगर यही प्रोडक्शन इतनी ही ज़मीन में बढ़ के 25 kg हो जाए तो किसान के पास ज़्यादा अनाज होगा, ज़्यादा अनाज होगा तो उसको उसके दाम भी ज़्यादा मिलेंगे।
इसके लिए क्या है, बेटर क्वालिटी ऑफ जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दाल के प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीड यानी कि बीज हैं। अब बीज क्या है, दो तरह के होते हैं। एक तो वो बीज होते हैं जिनको डेवलप किया गया है लेबोरेटरी में बहुत ही रिसर्च करके, सर्टिफाइड सीड्स जिन्हें कहते हैं। दूसरे होते हैं फार्म सेव्ड सीड्स। तो अभी क्या है, हमारे देश में जो किसान हैं वो अभी नए तरह के बीजों को बहुत कम मात्रा में अपना रहे हैं। इसको कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट यानी कि बीज प्रतिस्थापन दर। तो अभी हमारे देश में जो बीजों की प्रतिस्थापन दर है वो काफ़ी कम है, यानी कि जो किसान हैं अभी पुराने तरह के बीजों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, अगर हम किसी तरह से किसानों को ये जो नए तरह के बीज हैं, जो बेटर क्वालिटी के बीज हैं, इनको उपयोग करने के लिए किसानों को प्रेरित कर सकें, तो क्या होगा कि किसानों का उत्पादन बढ़ जाएगा। और जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि किसानों को जो लाभ है वो भी बढ़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट, सीड रिप्लेसमेंट रेट फॉर पल्सेस शुड रेंज फ्रॉम 20 to 100%। तो जो हमारी दालें हैं इसके लिए सीड रिप्लेसमेंट रेट कितना होना चाहिए, 20 to 100% तक होना चाहिए, ऐसा हमारे नीति आयोग का कहना है। अब देखिए फाइनल पार्ट पे आते हैं। तो अभी क्या है, हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में आ रही हैं, जैसे कि अदानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, ये सभी कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं ये कंपनीज फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण का काम कर रही हैं। तो वैसे ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो है बिचौलियों को ख़त्म करेंगी। देखिए किसान को अपनी फसल का सही दाम इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें बिचौलियों के हाथ में फसल को बेचना पड़ता है। अब क्या होगा, किसान सीधे अपनी फसल को कंपनी को बेच देगा और जो उसका प्राइस बनता है वो किसान को मिल जाएगा, सही समय पर मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ जो यहाँ पर कही गई है जिसका ध्यान रखना होगा कि इस दौड़ में कहीं छोटे प्लेयर्स पीछे ना छूट जाएं। जैसे जो आपके मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार बैठे होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे ही जो मंडियाँ होंगी जहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार दाल वगैरह बेचते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए सरकार को। यानी ऐसा ना हो कि बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट बिकने लगे और जो छोटे दुकानदार हैं वो नष्ट हो जाएँ। तो ये एक लास्ट पॉइंट उठाया गया है कि हालांकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास भारत के हित में है और ये बहुत अच्छा है कि भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इससे पब्लिक को भी जो दालें वगैरह हैं वो सस्ते में मिलेंगी और किसान को भी सही दाम मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही हमें इस चीज़ को भी इंश्योर करना होगा कि जो छोटे छोटे विक्रेता हैं वो नष्ट ना हो जाएं। तो ये फ्रेंड्स हमारा दालों से संबंधित, पल्सेस से संबंधित कंप्लीट टॉपिक हो गया, जिसमें आपको लगभग जितने भी एंगल थे सभी एंगल्स की जानकारी मिल गई।